जय हिंद। जैसा कि हम लोग सिंपल पेंडुलम पढ़े थे, उसमें से जो फॉर्मूला बताए थे आपको, उस पर आज जो सवाल पूछा जाता है थोड़ा उसको देख लेते हैं कि सवाल क्या क्या होता है उस पर और उसमें क्या क्या फॉर्मूला हो सकता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि जैसे कि सरल लोलक पढ़ रहे थे हम लोग, सरल लोलक सिंपल पेंडुलम, उसमें जो फॉर्मूला दिए थे आप लोगों को 2π√L/g। देखिए ये वीडियो देखने से पहले वो इसका पार्ट वन जो है वो वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख दे देंगे, अगर नहीं देखा है तो वहाँ से इसको देख लीजिएगा, वहाँ पूरा डिटेल में है। ठीक है, क्या हम लोग पढ़े थे 2π√L/g। ठीक है, इसमें जैसे कि सवाल पूछा जाता है, इस पर क्या क्या सवाल पूछा जाता है, 8, 9, 10 तो सवाल वो तो हम बता चुके हैं। ठीक है, कि लंबाई बढ़ेगा तो टाइम पीरियड क्या होगा, अगर लंबाई घटेगा तो टाइम पीरियड क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण बढ़ेगा तो टाइम पीरियड क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण घटेगा तो टाइम पीरियड क्या होगा, या चंद्रमा पर चल जाएंगे तो क्या होगा, या गर्मी के सीजन में लंबाई बढ़ जाता है तो टाइम पीरियड क्या होगा, बढ़ जाएगा, यानी टाइम पीरियड लंबाई का अनुक्रमानुपाती होता है, इसके कारण क्या लंबाई बढ़ेगा तो टाइम पीरियड बढ़ेगा, लंबाई घटेगा तो टाइम पीरियड घटेगा, और ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, तो ये सब सारा चीज़ बता चुके हैं। लेकिन इस पर और सवाल जो पूछा जाता है, कभी कभी बोलता है कि लंबाई जो है चार गुना कर दिया जाता है, चार गुना कर देने पर टाइम पीरियड क्या होगा। देखो लंबाई चार गुना कर देगा, जैसा कि हम बोले टी बराबर क्या होगा, रूट अंडर एल, सिर्फ हम इसको उठाएं। ठीक है, अब देखो इसको चार गुना करेगा तो क्या होगा, रूट अंडर फोर रखेगा तो कितना हो जाएगा, किसका स्क्वायर है, दो का स्क्वायर है, रूट हटाइएगा कितना आएगा, दो, यानी कि कितना हो जाएगा, दो गुना हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब आप बोल सकते हैं कि लंबाई को एन गुना करने पर टाइम पीरियड सीधा आपको रूट अंडर एन करना है, एन गुना हो जाएगा। ठीक है, अगर लंबाई को 16 गुना कर देगा तो देखो रूट अंडर 16 डाल दो, रूट अंडर 16 कितना होगा, चार गुना। ठीक है, यानी कि आपके लिए फॉर्मूला हुआ ये कि आवर्तकाल बराबर टी बराबर रूट अंडर एन गुना। बोलेगा 64 गुना, किसी सरल लोलक का लंबाई 64 गुना कर दिए तो आवर्तकाल क्या होगा आवर्तकाल, तो किसका स्क्वायर है 64 जो है, किसका स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर, किसका 8 64 या रूट हटाइए कितना आएगा 8, तो 8 गुना हो जाएगा। तो इस पर जो सवाल पूछता है इसे ही बनाना है आपको, ये याद रखें टी बराबर रूट अंडर एन गुना, ये आपको सब ट्रिक दिया, सिर्फ टी बराबर रूट अंडर एन गुना, जितना गुना बोलेगा वो देखेंगे किसका स्क्वायर है वो निकल जाएगा, या फिर रूट डालेंगे तो निकल जाएगा, 8 गुना बोलेगा तो क्या हो जाएगा, कितना गुना, 2√2 गुना। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। और इसमें से एक सवाल और पूछता है परसेंटेज में, तो गुना में हो गया ना, और पूछेगा आपसे एक परसेंटेज में, कि परसेंटेज में बोलेगा 4% बढ़ा दिया जाए, तो आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, लंबाई 4% बढ़ा दिया या लंबाई 8% बढ़ा दिया, तो आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, टाइम पीरियड पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसमें जो हम लोग पढ़ेंगे टाइम पीरियड टी बराबर पढ़ेंगे हम लोग n/2 या x/2 जो बोलिए, या l-2 बोल दीजिए या l/2 बोल दीजिए। ठीक है, यानी कि हाफ करेंगे, नीचे जो करेंगे हम क्या करेंगे, हाफ करेंगे, 4% बढ़ा दिया जाए ना, तो 4% यहाँ रख देंगे, 4% यहाँ रख देंगे, बराबर कितना निकलेगा 2%, कितना निकलेगा 2%, यानी कि उसका जो आवर्तकाल बढ़ेगा कितना बढ़ेगा 2%। अगर जैसे बोलेगा किसी लोलक का आवर्तकाल 8%, यानी किसी लोलक का लंबाई 8% बढ़ा दिया जाए, 8% बढ़ा दिया जाए तो आवर्तकाल कितना बढ़ेगा, तो बोलेंगे टी बराबर l/2 होता है, तो कितना होगा 8% 8% / 2 बराबर कितना 4%, यानी कि लंबाई को परसेंटेज में बढ़ाने पर उसका आवर्तकाल उसका आधा बढ़ता है, समझ गए, लंबाई को परसेंटेज में अगर बढ़ाया जाए n% बढ़ाने पर आवर्तकाल कितना परसेंट बढ़ेगा, n% बटा 2 या x% बटा 2 या l% बटा 2, जितना बोलेगा उसका आधा, और गुना में बोलेगा तो रूट अंडर n गुना बढ़ जाएगा। तो इस पर यही दो सवाल रहता है, और बाकी जो सवाल पूछा जाता है जैसा कि हम बता चुके हैं, और एक्स्ट्रा दो सवाल ये रहता है जो हम आपको बता चुके हैं। और आज के बाद सरल लोलक से जो क्वेश्चन रहता है आपका RRB में या रेलवे में वो गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।